ऑल राइट, अब हम सीखेंगे अबाउट फ्लोटिंग नंबर्स। हमने लास्ट वीडियो में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए थे ऑन इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर्स यू नो, फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर्स आर 0 और 1, 2, 500, 1000, एंड देर आर 16 बिट इंटीजर्स, 16 बिट जिनकी रेंज होती है 2^16, एंड देन देर आर 32 बिट इंटीजर्स जिनकी रेंज होती है 2^32। ओके, ये होते हैं हमारे इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स। फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल होता है। ओके, फ्लोटिंग फॉर एग्जांपल 1.5 और 2.0 और 7.467। ओके, कई बार हमारे पास वैल्यू फ्लोटिंग में आती है। आप कभी अरिथमेटिक डिविजन्स करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, तो हमारे पास फ्लोटिंग नंबर्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। ओके, तो हम सीखेंगे कि फ्लोटिंग नंबर्स में हमने कौन कौन सी कमांड्स करनी है। मूव, डाटा मूव करना है फ्लोटिंग में, और हम करेंगे एडिशन, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, ये हमने इंटीजर्स में ऑलरेडी करी हुई है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पर जब हम फ्लोटिंग नंबर की बात करते हैं तो मूव के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं मूव आर। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फ्लोटिंग नंबर, मूव आर। एडिशन के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके पीछे लगाएंगे डी ई। ओके, अब डी का यहाँ पे मतलब होता है डबल, डबल। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ डी हियर, बिकॉज हम फ्लोटिंग अरिथमेटिक जो कैलकुलेशंस करेंगे वो हम 32 बिट रजिस्टर्स में करेंगे। दिस इज मैंडेटरी। ओके, सब्ट्रैक्शन के केस में सिमिलरली इट विल बी डी ई सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में भी डी ई एंड डिवीजन में भी डी ई। तो ये हमारा डिफॉल्ट सिंटेक्स है फॉर कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे अगर मूव करना है तो मेरा सिंटेक्स क्या होगा। सपोज मैं एक इनपुट लेता हूँ यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। मैंने इनपुट ली एक M0 और मुझे डाटा मूव करना है, तो मैं लिखूंगा नॉट डी, मूव आर, लेट्स से 1.5 इंटू D10। अब इस कमांड से क्या होगा, बहुत ज़रूरी है ये पता करना कि ये जो D10 है, हमारे जनरली डेल्टा में ये होता है 16 बिट रजिस्टर, बट मैंने बोला कमांड्स यूज़ होती हैं 32 बिट में। तो उस केस में क्या होगा, D10 और D11 दोनों रिजर्व हो जाएंगे। ओके, ये दोनों बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रिजर्व हो जाएंगे इस कमांड में। D11 भी यूज़ होगा, तो आपको D11 कहीं और यूज़ नहीं करना होगा। क्या, D10 में आपका 1 स्टोर होगा और D11 में 0.5 स्टोर होगा। तो इंटीजर्स D10 में स्टोर होंगे और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, वो जो इस पॉइंट के आगे वाले जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो यहाँ स्टोर होंगे। ओके, तो ऐसे आपके दो डाटा रजिस्टर ऑटोमेटिकली रिजर्व हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे 32 बिट। ओके, तो अब इन इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हमारा ISP सॉफ्ट है, मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ LDM0 इनपुट ली। अब मुझे मूव करना है, मूव आर 1.5 D10, मूव आर, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, वेट अ सेकंड। आई एम सॉरी, यहाँ पे डी यूज़ होगा, मैंने नोट्स में बताया नहीं, ये भी डबल है, हम यहाँ पे डी यूज़ करेंगे, सॉरी बाबा। तो ये टैबलेट में आप देख सकते हो, यहाँ पे डी होगा तो ये भी यहाँ पे डी आएगा, बिकॉज हम डबल में यूज़ कर रहे हैं। ओके, डी मूव आर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। ये हो गया डाउनलोड एंड ऑनलाइन, और M0 यहाँ पे आप देख सकते हो, D10 मैंने तीन रजिस्टर लिए हैं, D10, D12 एंड D14, और तीनों फ्लोट में लिए हैं।
जब मैंने M0 को एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे 1.5 मूव हो चुके हैं। अब आप कमांड में देखोगे तो यहाँ पे इसकी इंटीजर वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है ये कहाँ से आ रही है। सपोज़ अगर मैं मॉनिटर टेबल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं D10 लिखता हूँ, तो ये देखो फ्लोट वैल्यू इज़ 1.5, ये 32-bit वैल्यू है इसकी, तो यू कैन इग्नोर दैट, द फ्लोट वैल्यू इज़ 1.5। ओके सो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो ये हो गया आपका मूव इंस्ट्रक्शन। अगर मुझे कोई और वैल्यू मूव करनी है तो यहाँ लिख सकता हूँ 1.45, इसको हम डाउनलोड करेंगे, ट्रांसफ़र। ओके ओके, अब इस केस में ये आप देख सकते हो 1.545 मूव हो चुके हैं, और मैंने इसको भी 4 डेसिमल प्लेसेस में लिया है। ओके, ये मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। इसके ये जो HMI में मैंने डिस्प्ले किया है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कितनी मुझे डेसिमल चाहिए, कितने मुझे इंटीजर पार्ट चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज अबाउट जस्ट मूविंग द वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग नंबर्स इन अ डाटा रजिस्टर्स। अब हम इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखते हैं कैसे होगा। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, डी मूव आर की जगह डी ई आर, जैसे मैंने टैबलेट में लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे मैं डाटा रजिस्टर लेता हूँ। D10 हो गया फर्स्ट डाटा रजिस्टर, इसमें हम ऐड करेंगे D12 और स्टोर करेंगे D14 में। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, D10 प्लस होगा D12 से और रिजल्ट आएगा D14 में, और DE ऐड मीन्स फ्लोटिंग में एडिशन होगा। तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। ओके ओके, अब ये देखो M0 ऑफ है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ, 5.25, एंटर। तो 5.25 मेरा D10 में चला गया, D12 में मैं डालता हूँ 7.269। ओके, अब इसमें हमें एडिशन का रिजल्ट देखना है, तो मैं M0 को प्रेस करता हूँ और ये हमारा एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ दिस। सो वेरी सिंपल, तो ऐसे हम फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो DESUB सब्ट्रैक्शन एंड द रिजल्ट विल बी इन D14। इसको डाउनलोड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ओके ओके, अब इसमें होगी सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए लेट्स से 2.556 सब्ट्रैक्टेड बाय 1.45, और इसको ऑन किया M0 को, सब्ट्रैक्शन हुई, आपका रिजल्ट आ गया 1.10। अगर सपोज आपको आपका जो D12 है वो बड़ा है D10 से, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे साइन इंटीजर लिया हुआ है। ओके, साइंड फ्लोटिंग नंबर्स। तो ये होगा आपका सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली वेरी क्विकली हम देख लेते हैं डिवीजन, DIV, और पहले मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, 52.1, एंड ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। ओके, यू कैन चेक इट बाय कैलकुलेटर, अदरवाइज इट्स एग्जैक्टली राइट। ये हो गया डिवाइड, और ये किया डाउनलोड, ट्रांसफ़र, ये गए हम ऑनलाइन, और यहाँ पे लिया 5.22, एंटर, 8.2 फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये आपका आ गया डिवीजन। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे ग्रुप में कि फ्लोटिंग पॉइंट पे कैसे काम करना है, फ्लोटिंग पॉइंट इन डेल्टा PLC, तो ऐसे काम करना है। तो आपकी कमांड्स हैं डी मूव आर, डी ई एड, डी ई सब्ट्रैक्शन, डी ई मल्टीप्लिकेशन एंड डी ई डिवीजन। ओके, तो आप फ्लोटिंग पॉइंट्स पे सिमुलेटर पे भी ट्राई कर सकते हो फॉर सम कैलकुलेशंस, और अदरवाइज कुछ क्विज में I will put some questions or in the exercise. So thank you for watching. I'll see you in the next video.